गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मनालीज नटशेल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो वी हैव कम टू दिस प्लेस जहाँ पे मैं और सयानी हमारा एक दो रील्स शूट करने वाले हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रिटी प्लेस टू शूट अ रील. दैट इज अवर कैमरा मैन मन, से हाय. एंड दैट इज तेजस. हाय तेजस, वेयर आर यू? हाय तेजू. हाय सुबोध, प्लीज बॉदर टू से हाय. हमने डांस किया दोनों ने, बहुत अच्छी अच्छी रील शूट की है. अभी मैं आपको दिखाती हूँ सयानी कैसा डांस कर रही है. It's been little difficult for me to shoot and post YouTube video, long videos, because now I've started working and I don't really get time. So it's just the Saturdays and Sundays when I can shoot and like edit the videos. So today is Saturday, today is 22nd of June and I just got home. It's 7 PM by the way. And can you see the nazara? It is pretty, the sky is pretty. So yeah, I just got home and you can see I am very tired. My face looks very tired. I'll just go and take bath, I'll freshen up and then I'll see you. Also, you can see my hair is very dry and very rough right now. So my hair is suffering a lot. मैं कोई हेयर केयर नहीं कर पा रही हूँ. मैंने बहुत दिनों से एक रील देखा था where the lady was trying a DIY remedy for hair care. And उसमें तो रिजल्ट बहुत अच्छे लगे. I was thinking of trying that on my hair. I'm very skeptical about it because my hair is already a lot damaged, dry, and you can see my hair, it looks very bad. But let's see, इससे बुरा क्या ही हो सकता है. तो मैं try कर लूँगी. And वो recipe थोड़ी, वो DIY थोड़ा weird है, but we'll do it because you know we can do anything. So yeah, I'm gonna do my hair care routine today. Also, I'm wearing these earrings. These are very cute little pretty earrings. Did you like it or not? Tell me in the comment section and guess the price of these earrings. मैं next video में आपको इसकी price बता दूंगी. तब तक आप guess करिए comment section में, आपको क्या लगता है इसकी price क्या हो सकती है वो बताइए. And now I'll just go and get ready and then we'll start doing the hair care routine. So let's go. Alright guys, I'm back. I just got fresh and I feel fresh. I look fresh. So yeah. And I told you that I'm gonna do some DIY on my hair, but I'm really tired to do anything. So I've just asked my mother to oil my hair, and that is the best DIY remedy, whatever you say. And my hair is very dry, so oiling is extremely important. And then tomorrow my oil, na, I don't keep it overnight, but today I'm very tired to wash my hair, so I'm oil pure raat rakhne wali hu. On the oily hair, I'm gonna do the DIY remedy. But seem like the time. गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स अ संडे मॉर्निंग एंड टुडे इज 23rd ऑफ जून एंड अभी बजे है 11:30 AM. येस्टरडे आई वॉज सो टायर्ड दैट आई स्लेप्ट एट 10 PM एंड मैंने बोला था मैं ऑयलिंग करूँगी हेयर में, विच आई डिडंट डू, आई जस्ट स्लेप्ट. तो सुबह मम्मी ने हेयर ऑयलिंग की एंड मसाज भी किया एंड आई फेल्ट सो गुड आफ्टर दैट. अभी 11:30 बजे है बट आई गॉट अप एट 7:30. आई डोंट नो वाई मैं सडनली खुद उठ गई एंड आई कुडंट स्लीप देन. तो फिर आई जस्ट स्टार्टेड स्क्रोलिंग रील्स, वॉच्ड बिग बॉस सीजन 3 OTT का जो प्रीमियर था, फर्स्ट डे फर्स्ट एपिसोड वो देखा एंड आई फाउंड सीजन 3 बिग बॉस OTT क्वाइट बोरिंग. मतलब फर्स्ट एपिसोड ही देखा बट इट वॉज लिटिल बोरिंग. आई डोंट नो वाई, आई हैव ऑलवेज लव्ड बिग बॉस बट दिस OTT सीजन इट्स क्वाइट बोरिंग. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू द DIY हेयर केयर एंड स्किन केयर रेमेडी जो मैंने आपको कल बताया था मैं करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट विदाउट वेस्टिंग टाइम. वी आर गोइंग टू यूज दिस फ्लैक्स सीड्स. इसके लिए पानी बॉइल हो चुका है. आई एम पुटिंग फ्लैक्स सीड्स इन वाटर. दिस आई एम गोइंग टू पुट राइस. दिस इज विटामिन ई कैप्सूल. ऑल राइट गाइज, आई एम अप्लाइंग द मास्क एंड लुक्स रियली वियर. पूरा स्लाइम जैसा टेक्स्चर है इसका. इट इज मेंट टू बी लाइक दिस. बाल थोड़े स्मूथ होंगे इज वॉट आई हैव हर्ड. And reviews भी ऐसे ही है. तो let's see how this works. Okay
गाइस, पूरे हेयर पे मैंने पूरा जेल लगा लिया है एंड इट विल बी केप्ट लाइक दिस फॉर एन आवर एंड आफ्टर दैट आई विल वॉश माई हेयर विद अ शैम्पू एंड देन आई विल डू द कंडीशनर ऑल्सो. ऑल राइट, सो दिस इज हाउ माई हेयर लुक्स आफ्टर एन आवर एंड इट्स हाई टाइम दैट आई वॉश माई हेयर. सो आई विल सी यू आफ्टर वॉशिंग माई हेयर एंड आफ्टर लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. अभी तो हेयर जैसे थे वैसे ही फील हो रहे हैं, देयर इज नथिंग डिफरेंट दैट आई कैन फील. बस स्किन पे थोड़ा ऐसे मुझे स्ट्रेची फील हो रहा है बिकॉज वो जो जेल था वो अभी ड्राई हो गया है. दैट इज़ वाई फील लाइक इट्स लिटिल बिट या. सो लेट्स जस्ट डू द हेयर वॉश एंड देयर आई विल सी. ऑलराइट गाइज, आई एम बैक एंड आई हैव वॉश्ड माई हेयर एंड आई मीन आई डोंट सी, डू यू सी एनी डिफरेंस और डू यू फाइंड माई हेयर बेटर? अभी हेयर थोड़े वेट है, थोड़े नहीं पूरे ही वेट है, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग. Yes, I do feel my hair is little softer now, but that happens even after you conditioner. तो मैंने conditioner भी लगाया है, so that is why maybe मेरे hair थोड़े soft लग रहे हैं. I don't think so, ये gel के वजह से है. I use L'Oreal's conditioner, जो कि ठीक ही है, मतलब I don't find it very good. And also मैं पहले ना Dove का use करती थी, which is very bad, like extremely bad. Oh my god, what if I get sponsorship from Dove again? And then, anyways, I'm being very honest. I really don't like Dove's conditioner. Neither do I like the shampoo. But L'Oreal का मैंने अभी start किया है, कुछ weeks हुए, and I like it, not much, but I like it kind of. I have been using so many hair care products, but मेरे hair कुछ हो ही नहीं रहा है hair के साथ, so I don't know what to do. मतलब मैं पहले जब कुछ करती ही नहीं थी अपने बालों के लिए, तब my hair were better. Since the time I've started doing hair care, मेरे hair और ज़्यादा गंदे होते जा रहे हैं, so I really don't know मुझे करना क्या चाहिए. थोड़े बाल जब गीले हैं तभी I put Livon, and this is the only thing that I love. तो hair care में सिर्फ oiling और ये serum लगाना is something that I love. बाकी कुछ आई डोंट थिंक सो इज़ वर्किंग फॉर माई हेयर. तो आई विल जस्ट टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट एंड आई विल अप्लाई इट ऑन द एंड्स ऑफ माई हेयर ताकि फ्रिज ना रहे हेयर में. टुडे इज 30th of June. आई डोंट नो, माई स्किन इज सफरिंग अ लॉट. मुझे बहुत सारे एक्ने अचानक से फिर से आना स्टार्ट हो गए हैं. मैं एक रील ट्रांजिशन रील शूट करूंगी. दिस लुक इज फॉर बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन मैं हेयर वॉश करके रेडी होके आऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट शूटिंग द ट्रांजिशन रील. या गाइज, आई जस्ट गॉट रेडी. मैंने अपने हेयर वॉश भी कर लिए एंड आई कैन सी गुड रिजल्ट. मतलब वो लास्ट टाइम मैंने जो हैक ट्राई किया था वो धीरे धीरे वर्क कर रहा है. एनी वेज, आई गॉट रेडी. आई एम वेयरिंग दीज क्यूट लिटिल ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. प्लस मेरे पास इस साड़ी में मैचिंग ब्लाउज नहीं था, तो मैं जो हमेशा ब्लू वाला पहनती हूँ वो ही पहना एंड इट्स नॉट इवन लुकिंग बैड. सो आई एम गोना वेयर दिस ओनली. एंड ऑल्सो मैंने ब्लू ब्लाउज है तो ब्लू बिंदी भी लगाई एंड इट्स लुकिंग क्वाइट गुड. सो आई एम रियली हैप्पी विद द हेयर एंड विद द आउटफिट दैट टर्न्ड आउट. नाउ आई एम जस्ट गोना शूट द ट्रांजिशन बैक साइड कैसे. सो आई होप यू लाइक दिस लुक एंड नाउ लेट्स शूट द ट्रांजिशन द आफ्टर पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन.